गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने लास्ट पार्ट में इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था, सेंटेंस का मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, वो पार्ट वन है, वीडियो अपलोड है, आप सब देख सकते हैं। आज अपन करेंगे इसका एक्सरसाइज, ठीक है। प्राची अ गर्ल इज़ गुड। अपन को इसमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। ये दिया गया है किसमें, इनकरेक्ट ऑर्डर में अपन को दिया गया, अपन को इसको करेक्ट ऑर्डर में बनाना है, मतलब सही तरीके से लिख के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पहला क्या है, प्राची अ गर्ल इज़ गुड, ये मीनिंगलेस सेंटेंस है, अपन को इसको मीनिंगफुल में या करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। सो प्राची इज़ अ गुड गर्ल, प्राची इज़ अ गुड गर्ल क्या हुआ, एक मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ, है ना। अब सेकेंड है, क्रिकेटर इज़ पॉपुलर अ वेरी सचिन, ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया गया है, अपन को इसको सही करके कैसे लिखना है। सचिन इज़ अ वेरी पॉपुलर क्रिएटर। सो थर्ड क्वेश्चन, सी दिस सोर आर मैंगोज, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, दिस मैंगोज आर सोर। फिर डी है, इंटेलिजेंट एंड निशा इज़ अ लेडी, ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, निशा इज़ एन इंटेलिजेंट लेडी। तो इसमें अपन को पता चल रहा है कि सेंटेंस कैसे दिया गया है, गलत तरीके से दिया गया है सेंटेंस, उसको क्या करना है, अपन को सही करके लिखना है, ठीक है। अपन लोगों ने डी तक कर लिया था, अब ई क्वेश्चन की बारी, प्रमोद नॉइज इन द क्लास मेक्स अ, तो ये भी क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कम्प्लीट सेंटेंस क्या होगा, प्रमोद मेक्स अ नॉइज इन द क्लास, प्रमोद क्या कर रहा है, क्लास में हल्ला कर रहा है। एफ क्वेश्चन, रश्मि इज सिस्टर्स तनु, तो ये इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट सेंटेंस उसको अपन बोल सकते हैं, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका ऑर्डर भी सही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, तनु, रश्मि इज तनुज सिस्टर, क्या होगा इसका करेक्ट ऑर्डर, रश्मि इज तनुज सिस्टर। क्रिमिनल इज दीपक ए, तो इस क्वेश्चन में भी इनकम्प्लीट ऑर्डर है, तो इसका कम्प्लीट ऑर्डर क्या होगा, दीपक इज अ क्रिमिनल। अब एच क्वेश्चन, टीचर एंड एल्डर ओबे योर, तो इसका कम्प्लीट सेंटेंस क्या होगा, ओबे योर टीचर्स एंड एल्डर्स। फिर आई क्वेश्चन आया, गार्डनर द वाटर्स प्लांट्स द, सो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, द गार्डनर्स वाटर्स द प्लांट, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। फिर लास्ट क्वेश्चन है, हेरी डॉग हैज शी, तो इसका सही क्वेश्चन क्या, सही आंसर क्या होगा, शी हैज़ अ हेरी डॉग। तो इससे अपन को ये पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन है वो क्या है, इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है, उसका ऑर्डर क्या है, सही नहीं है, तो अपन को क्या करना है, इसके ऑर्डर को सही करके इसको कम्प्लीट सेंस में लिखना है, ठीक है।